तो आप सर कितने एकड़ के फार्मर हो? मैं खुद, मेरे पास 13 एकड़ लैंड है। ठीक है जी। और मैं लीज पे लेके 60 से 70 एकड़ की खेती करता हूँ। वेरी गुड। तो सर क्या उगाते हो आप उसमें? मोस्टली तो सब्जियां ही उगाते हैं। अभी आपने क्या उगाया हुआ, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर खीरे का सेटअप है ये? जैसे यहाँ पे आलू था पहले, ये दिखाएंगे। ये है, नेट हाउस है। ठीक है जी। वर्टिकल क्रॉप इस पे लगती है। ठीक है जी। और अभी इसमें कुकुम्बर लगा हुआ है। ठीक है। इसमें हम शिमला मिर्च भी कर सकते हैं जो कलर्ड होती है। इसमें मल्टीपल फार्मिंग हो जाती है? हाँ, एक साथ नहीं नहीं, इसमें एक ही फसल लेते हैं हम, खीरे की लेते हैं या कलर्ड कैप्सिकम लेते हैं या टमाटो की लेते हैं। ठीक है जी। अभी और भी फसलें कहीं आगे जो हम इसमें कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं। ये एक एकड़ पे लगाया हुआ है जी सर? हाँ, ये पूरा एक एकड़। इस पे कितना खर्चा आता है? इसपे पूरा खर्चा 20 के आसपास आता है। ठीक है जी। और ये कितने साल तक चल जाता है? ये मतलब सरकार के हिसाब से वैसे तो 6 साल इसकी वारंटी होती है। ठीक है जी। लेकिन मेंटेन पे बात है, कुछ लोगों का 2-3 साल में फट जाता है, कुछ लोग 7-8-10 साल चला देते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें कितनी सब्सिडी मिलती थी पहले और अब कितनी मिलती है? पहले इसमें 65% सब्सिडी थी, अब इसमें मेरे ख्याल में 50% सब्सिडी हर साल देती है गवर्नमेंट। वो हर साल गाइडलाइन चेंज होती है। ठीक है जी। और क्या क्या आपने लगा रखी है सब्जियाँ? सब्जियाँ भी मेरे पास आलू था। अच्छा जी। मटर था। ठीक है जी। जो हार्वेस्ट हो गया। और अभी मेरे पास ऑरेंज कैरेट है। अच्छा जी। और जो सैलेड में यूज होती है, पिज्जा बर्गर में यूज होती है। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पास घिया है, तरबूज है, खरबूजा है, तोरियां हैं। तो आप तो मोस्टली ये मेंथा मैंने लगा रखा है, टिंडा मैंने लगा रखा है। वेरी गुड। तो सर सारी तरह की ऑलमोस्ट ये जो हमारी बेल्ट है वैसे भी सब्जियों के लिए जानी जाती है। तो सर अब आगे सब्जियों के लिए नहीं, बहुत अच्छी सब्जियों के लिए जानी जाती है, जिसका मतलब नाम लेने से, सीवन के नाम से ही सब्जियां बिकती हैं। और ये बेल्ट खरबूजे और तरबूज के नाम से और टिंडा के नाम से भी जानी जाती है। और जो मेरा गांव है मलिकपुर, अब उसको टिंडा वाला गांव बोलते हैं। टिंडों की सब्जी, लौकी की फैमिली में आते हैं टिंडे, जिन मेरे शहरी भाइयों को नहीं पता। तो सर बता रहे हैं कि गांव में इतनी ये टिंडे की सब्जी होती है, तो गांव का नाम ही ऐसा रख दिया। अभी तो आसपास के लोग सब जहाँ दूर तक टिंडा जाता है बोलते हैं मलिकपुर टिंडे वाला। ठीक है जी। तो अब सर कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा, तो कैसे चेंज होने वाला सिस्टम? देखो चेंज तो होगा, चेंज तो होगा, प्लानिंग बनी हुई है, लेकिन कुछ प्लानिंग बनानी बाकी है, क्योंकि हम भी इस बात में नए हैं। पहले तो हमने कोई जैसे कोल्ड स्टोर पैक हाउस नहीं लगा रखे। चेंज तो होगा, लेकिन सही तरीके से, जब प्रॉपर तरीके से हम काम करना शुरू करेंगे उसके अंदर, तभी पता लगेगा। क्योंकि हर बार, हर दिन, हर रोज, हर महीने, हर साल आदमी सीखता है। बिल्कुल सीखता है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। अभी तक सब्जी कैसे बेच रहे थे आप, मंडी में ले जाके? जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती भी करते हैं। अच्छा जी। जैसे आलू का हम पेप्सिको से कॉन्ट्रैक्ट हमारा है। अच्छा। तो मेरा था, तो पेप्सी वाले यहीं से उठा लेते होंगे? पेप्सी वाले यहीं से उठा लेते हैं। अभी ये आलू की ग्रेडिंग होगी, ये भी यहीं से उठेगा। अच्छा जी। इसका आज हमने बीज भी रेट कर दिया है, सीढ़ी है, जो राशन निकलेगा बेच देंगे सीड को हम। कौन सी स्टोर आप लगा रहे हो? पुखराज वगैरह? के पुखराज, के मोहन लगा रहे हैं, के मोहन, चिप्सोनोवन लगा रहे हैं। ठीक है जी। और सेंटाना है हमारे पास, LR है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं, तो कुछ कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्ट में अपना कर लेती हैं कि भी हमें ये फसल दो। तो जैसे सर बता रहे हैं पेप्सिको में आलू जाते हैं, तो जो मेंथा की हम खेती कर रहे हैं भी कॉन्ट्रैक्ट बेस ही है। अच्छा जी। इसको हमारा ये कौन सी कंपनी को जाएगा सर? ये हिसार एक कंपनी है, 1050 रुपए लीटर इसका हमारा रेट है। अच्छा जी। लीटर जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको काट के इसका तेल निकालना है भाई। अच्छा, ये मैंथोल फ्रेश आपने सुना? अच्छा, मैंथोल फ्रेश, वो इसी इससे निकलेगा। ये तो हमें पता ही नहीं था, ये खेती भी यहाँ पे होती है। तो ये खेती हमने शुरू की है। ठीक है जी। अभी मल्टीपल खेती करेंगे। मल्टीपल खेती से क्या है, आप एक चीज में बने नहीं रहते। अब जैसे एक चीज में आपने ट्रेडिशनल आलू लगा लो, कम नहीं कर रहा है, रेट कम भी कर रहा है। अगर दूसरी खेती आपने लगा रखी है कोई, वो अच्छे रेट में बिक रही है, तो आप एक चीज में पूरा खेत एक चीज का लगा दिया तो घाटा आने के चांस बढ़ जाते हैं। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल जो आलू की भी खेती लगातार करते हैं, क्या होता है कि एक तरह के तत्व की तो अच्छी वो हो जाती है जमीन में, लेकिन बार बार खेती करने से वो जमीन उस लायक नहीं रहती कि आप एक ही फसल बार बार ले लो। आलू की फसल भी आप लगातार नहीं ले सकते, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, चीजें बदलती रहनी चाहिए। किसी भी खेती को हर बार उस खेत में मत करो, बदल बदल कर करो। उसको बोलते हैं फसल विविधीकरण, कि एक खेत में हर साल एक फसल ना लगा के अगले साल दूसरी फसल लगाना, उसको
न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं अलग अलग, रिपीट ना करके मतलब उसको खेतों को बदलते रहो। ठीक है जी। तो सर अब जैसे कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा तो आप दिन के दिन नहीं बेचोगे, साथ के साथ स्टोर करोगे, जैसे डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से भेजोगे या कैसे? नहीं, फ्रेश का काम तो वैसे फ्रेश में ही चलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डिमांड जैसे बिल्कुल डिमांड घट गई कि हमें पता है कि 10 दिन के बाद डिमांड उठेगी, तो उस हिसाब से कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हम स्टोर नहीं कर पाते। ठीक है जी। कुछ सब्जियां तो फ्रेश में ही निकालनी पड़ती हैं डिमांड के हिसाब से, कुछ ऐसी अगर कीमत कम है बाजार में तो आप कुछ टाइम ठहर के भी कर सकते हैं। सर एक लास्ट चीज सोचूंगा, प्रोसेसिंग प्लांट का भी प्लान है आगे? हाँ, जब हमारा पैक हाउस कोल्ड स्टोर अच्छे से रनिंग हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस का भी है, क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट आते हैं उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि हम मौके पे जैसे रेट कम हो गया, वही बात है, रेट कम हो गया उस टाइम हम उसको प्रोसेस करके उसको स्टोर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो प्रोसेस का हम बिल्कुल सोच रहे हैं, प्लान है और बिल्कुल भविष्य में करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया जी। सर इलेक्ट्रिसिटी खर्चा क्या आता होगा अपना प्लांट चलाने का, क्या आएगा? तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मैं शुरू नहीं किया है, क्योंकि अगर हम शुरू में ही ले लेते इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो उसका खर्चा बढ़ जाता, कंधों पे भार बढ़ता। तो अभी हम जब रनिंग करना होगा तो एक महीना में कनेक्शन लगभग हो जाएगा, और अभी हम बात हमारी चल रही है कनेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है और हम रनिंग में उसको लेने वाले हैं, तो कनेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और ये कनेक्शन का हमने पता किया कि हमने जैसे 49 होसपुर का लेना है, ठीक है जी, तो उस पे किलोवाट बोलते हैं, 49 किलोवाट का लेना है, तो उस पे बोल रहे थे जैसे हमारी बात हुई कि 8,500 रुपये अगर आप रनिंग में भी नहीं करोगे, 8,500 तो खड़ा खड़ा खर्चा आएगा, अगर आप चलाओगे यूनिट बढ़ेगी तो वो खर्चा अलग से। तो मतलब खर्चा काफी है बिजली का। यहाँ क्या मतलब यूनिट का रेट है एग्रीकल्चर यूनिट का रेट? जैसे एग्रीकल्चर का अलग होता है, इसका अलग, और जो हमारे मकान का होता है वो अलग होता है, जो ये कमर्शियल होता है ये अलग होता है रेट, इसमें वो 60-70 रुपए ऐसे यूनिट के चार्ज करते हैं। अच्छा जी, काफी रेट है फिर तो। और ये जो हमने प्लांट लगाया इसके लिए अलग से अप्रूवल भी लेनी पड़ती है एग्रीकल्चर लैंड में, CGL अप्रूवल क्या बोलते हैं इसको? इसके लिए अप्रूवल सब जैसे एग्रीकल्चर में ही आता है वैसे तो, लेकिन अगर ये हम एक तरह से प्लांट लग गया तो ये कमर्शियल में आएगा, लेकिन एग्री कमर्शियल है तो आता तो एग्री में ही है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जब डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं तो समन्वय कहीं बार नहीं बन पाता, तो जैसे हमने अभी ये देखो नेट हाउस लगा रखा है, कई जगह बिजली वालों ने इन पे भी लोगों पे रेट डाल रखी है कि ये कमर्शियल में है, आप तो कमर्शियल कर रहे हो और आप एग्री जो कनेक्शन है उस पर नहीं चला सकते इसकी मोटर को, अच्छा, छोटी मोटर अलग से डालनी पड़ती है, तो उस कनेक्शन पे नहीं चलाते, हमने सोलर लगा रखा है, आपने देखा है। हाँ जी, हाँ जी। हमने इस मोटर को चलाने के लिए सोलर लगा रखा है, लेकिन कुछ किसान नहीं सोलर लगा पाए तो उन्होंने इस पे चला लिया, तो उनपे एक तरह से जुर्माना डाल दिया कि आप ये कमर्शियल कर रहे हो और एग्री पे नहीं चला सकते, लेकिन ये एग्री ही है, इसमें फसल ही पैदा हो रही है ना, बिल्कुल एग्रीकल्चर। ये भी हमने कई बार आवाज ये बात की रखी है, तो इस बात पे विचार चल रहा है कि हम मेल करेंगे डिपार्टमेंट को। नहीं ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, किसान खुद कर रहा है, सरकार चाहती है ये चीजें हो तभी किसान कर रहा है, तो ये इतनी तो फैसिलिटी होनी चाहिए। बट ये आपने सोलर पंप लगाया हुआ है जी? हाँ, ये सोलर है, ये सोलर पंप भी शायद गवर्नमेंट इसमें भी हेल्प करती है। हाँ, इसमें भी है, ये हेल्प में। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच गुरदयाल जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। आपकी फसल देख लेते हैं एक बार, थैंक यू।